जैन धर्म में महावीर जयंती का पर्व बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन प्रभात फेरी, अनुष्ठान और शोभा यात्रा जैसे आयोजन किए जाते हैं। महावीर ने मोक्ष प्राप्ति के लिए 5 नियम स्थापित किए हैं, जिसे पंच सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, और वह है अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य और अपरिग्रह। बेटमा में भी जियो और जीने दो का संदेश देने वाले भगवान महावीर की जयंती पर दिगंबर जैन समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो स्थानीय मंदिर से शुरू होकर अम्बेडकर चौराहा, सोसाइटी रोड, पूरा बाजार, राजवाड़ा चौराहा होते हुए पुनः मंदिर पहुंची, जहां पूजन के पश्चात वात्सल्य भोज का आयोजन हुआ। शोभा यात्रा में महावीर भगवान को पालकी में बैठाकर भक्त अपने कंधों पर लेकर भगवान महावीर के जयकारे लगाते चल रहे थे। वहीं श्वेतांबर जैन कल इसका आयोजन करेगा। गौरतलब है कि हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को महावीर जयंती मनाई जाती है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म बिहार के कुंडा ग्राम में हुआ था। भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। कहा जाता है कि 30 वर्ष की आयु में इन्होंने राजमहलों के सुख को त्याग कर सत्य की खोज में जंगलों की ओर चले गए। घने जंगलों में रहते हुए इन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसके बाद रिजु बालुका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान महावीर ने समाज के सुधार और लोगों के कल्याण के लिए उपदेश दिए। बैटमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो हम श्री महावीर भगवान का जन्म कल्याणक जो है मनाते हैं आज के दिन। आज चैत्र शुक्ल त्रयोदशी है, जिसको वीर तेरस के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार से रामनवमी रहती है, उसी तरीके से वीर तेरस भी रहती है। और आज के दिन हम सुबह जब मंदिर जी में यहाँ आते हैं, सुबह सबसे पहले भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं। उसके पश्चात हम लोग भगवान महावीर की शोभा यात्रा यहाँ से निकालते हैं, और शोभा यात्रा के दौरान सभी लोग बहुत हर्षोल्लास से भगवान महावीर को नगर भ्रमण कराते हैं, और पश्चात श्री मंदिर जी में वापस से जो है लेकर के आते हैं। और उसके पश्चात जो है भगवान की फिर से अभिषेक पूजा का कार्य प्रारंभ होता है, और अभिषेक पूजा करने के पश्चात हम लोग जो हैं भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी यहाँ सामाजिक रूप से करते हैं। मेरा नाम अंकुश जैन है, मैं श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर बेटमा का अध्यक्ष हूँ। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाचार्य धर्मो नोस्तु मंगलम। आज हमारे महावीर भगवान का जन्म कल्याणक मनाया जा रहा है, बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है पूरे देश में। और एक दिन पहले अहिंसा रन रैली निकाली गई है इस बार हमारे देश में, जो पहली बार हुआ है ऐसा। और बहुत ही ज़्यादा सबके पूरे जैन वासियों में सब में हर्षोल्लास से बहुत ज़्यादा उल्लास है। इस दिन हम लोग पालकी यात्रा निकालते हैं, तरह तरह के प्रोग्राम करते हैं, भगवान की शांति धारा होती है, और शाम को भी हमें यहाँ भक्तांबर पाठ वगैरह होता है। और हमारे महावीर भगवान का विशेष संदेश था जियो और जीने दो। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन है। हम मानते हैं कि आज का दिन सोने से भी महंगा, आज के दिन की कोई मूल्य नहीं है। भगवान महावीर के सिद्धार्थ, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, माता का नाम त्रिशला देवी था। उनने आज कुंडलपुर नगरी में महावीर भगवान का जन्म हुआ था। हमने पालकी वगैरह निकाल के बड़ा बहुत उत्सव किया है, और वात्सल्य भोज का भी यहाँ पे प्रभावना का भी समाज ने प्रोग्राम रखा है। और यहाँ पे अभी शांति धारा होने वाली है, भगवान महावीर स्वामी की शांति धारा होने वाली है। यहाँ पर है ना, पूरे विश्व के लिए भगवान महावीर के वर्गणाएँ इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि सब शांति धारा में सभी को शांति मिले, पूरे विश्व को शांति मिले। जिसको भी कोई व्याधि वगैरह हो, शांति धारा का गंधोदक लगाने से उसको शांति मिलती है, उनकी व्याधि दूर होती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।